तेरे सपने में तो उसने निर्माम बोला आधे रास्ते से वापस मुड़ गया था। झूठ बोलती है। विराट जब पैदा भी नहीं हुआ था उससे पहले के आईब्रो सफेद होने शुरू हुए इनके। शट अप बिट्टू, वो तो ना सिद्धू जी मैं फोन के लिए बातें कर रही हूँ। वैसे आजकल मैं ना बहुत सीरियस बातें करती हूँ, एक सीरियस टॉपिक पे बात करने आई हूँ। विराट जी मैंने ना एक नेगो खोला है। नेगो नहीं, एनजीओ होता है, एनजीओ। चलो मान लिया वही एनजीओ खोला है। तो फुल फॉर्म क्या है, क्या किस चीज का एनजीओ है? एनजीओ नॉन ग्रीडी औरतें। बताऊं कि ना जो स्पोर्ट्स वुमेन होती हैं बेचारी, कोई स्पोर्ट्स नहीं खेल पाती क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। तो क्या आप हमारी मदद करेंगे? हाँ, करेंगे मदद? अच्छे काम के लिए तो मैं हमेशा मदद करने को तैयार हूँ। लाडी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आपको पता है अभी अभी विराट कोहली जी ने हमारे एनजीओ को 5 करोड़ रुपए देने का अनाउंसमेंट किया है। ये ताला तो नहीं लगा दिया घर पे बाहर से? मेरे को लूटने के लिए बुलाया। सुनिए, मैंने क्या बोला 5 करोड़ रुपए? इसे तो कभी 250 का नोट नहीं देखा, ये क्या करके 5 करोड़ का? अच्छा 5 करोड़ तो मैं नहीं दे सकता, और कुछ करना है तो बताओ। हाँ जी हाँ जी, देखिए हमारा एनजीओ जो है ना वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनाता है, तो अगर आप हमारे एक प्रोडक्ट की ऐड कर देंगे तो हम पैसा बीच में ही एडजस्ट कर लेंगे। ऐड तो बाएं हाथ का खेला विराट कर ही सकता है। चलो कर सकते हैं ना। हां ऐड कर सकते हैं। क्या बेचना, क्या बेचना, क्या? ठहरिए मैं आपको बताती हूँ। पर्स बेचना? आपको ना लिपस्टिक की ऐड करनी है। मैं लिपस्टिक की ऐड कैसे करूंगा यार, मैं लड़का हूँ। क्यों, लड़कों के होंठ नहीं होते, उनके डायरेक्ट दांत ही शुरू हो जाते हैं। उनके भी होते ना होंठ। और वैसे भी देखिए कितनी सारी लड़कियां इन पे मरती हैं, तो अगर आप लिपस्टिक की ऐड करेंगे तो हमारी कितनी सारी लिपस्टिकें बिक जाएंगी। लाओ जी मैं लिपस्टिक भेज देता हूँ। आइए मैं आपको बताती हूँ कैसे। हाँ जी, बस आपको ना मेरे साथ साथ बोलना है। अच्छा, पहले मैं लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। बोलिए। ये साफ ही झूठ पहली लाइन थी। पहले मैं लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। जब से मार्केट में ये पिंकी लिपस्टिक आई है मैं लड़कियों का दीवाना हो गया हूँ। जब से मार्केट में ये पिंकी लिपस्टिक, घुमा के बोलिए, ये पिंकी लिपस्टिक आई है मैं तब से मैं दीवाना हो गया हूँ। मैं लड़कियों का दीवाना हो गया हूँ। जो भी लड़की ये पिंकी लिपस्टिक लगाती है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है। जो भी लड़की ये पिंकी लिपस्टिक लगाती है वो मुझे बहुत पसंद, वो मुझे बहुत पसंद आती है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, खरीदिए 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 पिंकी लिपस्टिक और मेरे साथ डेट पर जाइए एक बार। खरीदिए 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 पिंकी लिपस्टिक और मेरे साथ एक बार डेट पर चलिए। जो खरीदेगा पिंकी लिपस्टिक उसका भी भला, जो खरीदेगा पिंकी लिपस्टिक उसका भी भला, और जो ना खरीदे, और जो ना खरीदे उसका सत्यानाश। करिए ना, और जो ना खरीदे उसका सत्यानाश, उसके गर्मी में होंठ जल जाए। शुरू शुरू में तेरी ऐड थी, लास्ट
में भीख मांगने में उतरा ही थी तू। उसका सत्यानाश जो ना दे उसका, ये क्या कर रही थी? बिट्टू, असल में ना आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तो मेरे मुंह से पता नहीं क्या क्या निकले जा रहा है। मैं मोहल्ले का स्पोर्ट्स कंपटीशन जो जीत के आई हूँ। अच्छा जी। हाँ जी, क्या बात है। चीटर, चीटर लोग, चीटर लोग हैं ये। विराज जी, इनका बिल्कुल एतमाद नहीं करना, ये झूठे लोग हैं, एक नंबर के फ्रॉड हैं, झूठ बोलते हैं ये लोग। आप कौन है भाई साहब? आपने मुझे नहीं पहचाना? क्या क्या काम है आपका? मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, पैसे की कमी नहीं है। वो मेरा दुबई में ना पकौड़े की शॉप है। ओ, क्या बात है दुबई में। हाँ, पकौड़े बेचता हूँ वहाँ पर, लेकिन मैं दिल से मैं क्रिकेटर ही हूँ। अच्छा? चलिए छोड़िए आप इस बात को, आपके लिए देखिए मैं ये पकौड़ा लेकर आया हूँ। नहीं, रखो भाजी, रखो इसको, इसमें इसमें क्या स्पेशल है? ठंडे पकौड़े लेके आए? ठंडे, तो जो हाल में दुबई से आऊंगा तो ठंडे ही होंगे। खास क्या है इसमें? खास इसमें ये है कि इसमें से सोने का सिक्का भी निकल सकता है। अच्छा जी, क्या बात कर रहे हो, अगर नहीं निकला तो कल निकल आएगा। निकलेगा जरूर। अब एक स्पोर्ट्समैन को तेल वाले पकौड़े खिला रहा है बेवकूफ। अगर ये स्पोर्ट्समैन है तो हम भी कोई कम नहीं है। हमारा खानदान स्पोर्ट्समैनों से भरा पड़ा है। क्या? मेरे डैडी इतने बड़े स्पोर्ट्समैन थे, मैं बता नहीं सकता। बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन, सारा दिन खेलते रहते थे। कोई बिल्ली को पंजा मार दिया, कोई कुत्ते को पत्थर मार दिया, सारा दिन खेलते थे। बहुत बड़े। ये भी गेम होती है। अच्छा, थे तो ईमानदार ना, आपकी तरह बेईमानी तो नहीं ना करते थे? विराज जी, इनके साथ हमारा गिल्ली डंडे का मैच हुआ है, इन लोगों ने पता क्या कि अपनी बारी ली है और उसके बाद जब हमारी बारी आई है, डंडे की जगह गिल्ली दे दी और गिल्ली की जगह हमें डंडा दे दिया। आप मुझे एक बात बताओ, आप विकेट की जगह के ऊपर बेल्स लगा दो और बेल्स के ऊपर विकेट रख दो, इस तरह मैच हो सकता है? कोई आउट कर सकता है? चांस ही नहीं, मलिंगा कर सकता बस। असल में क्या, हमारी फैमिली ने सारे स्पोर्ट्स के रिकॉर्ड बीट कर दिए ना, इसलिए ये जल रहा है। हाँ, रिकॉर्ड तो बड़े इनकी फैमिली के, सिर्फ भूखा रहने के अवार्ड है इनके पास। इनके दादा 10 दिन भूखा रहे, ये रिकॉर्ड है इनका। और अब इनके दादा कहाँ होंगे? कोमे में होंगे। क्या कहा तूने? फिर से बोल। क्या कहा बे? आपको पसंद आई बात? कमीने, विराट के सामने हमारी बेइज्जती कर रहा है तू। शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। दादी, फिलहाल तो मैंने कुछ खाया नहीं है। और दूसरा, आपकी थाली में छेद पहले ही था। और आपके घर में खाने की चीज इनकी बकरी मुझे कहती है, मुझे किसी जॉब पे लगवा दो, चारा तक तो देते नहीं ये बकरी को। चीटिंग वाला किस्सा परसों का है। तो कोई बात नहीं, आपके कमीनेपन की बातें बता देते हैं। विराट, ये जो डॉली है ना, इतनी ज्यादा कमीनी, इतनी ज्यादा कमीनी, कल कौए को कहती उधर देखो बाज आया है, कौए ने उधर देखा उसकी चोंच में से रोटी लेकर इधर को निकल गई। इतना कमीने हो गए ये। तो खुशी की बात है, दादी में फुर्ती तो है कम से कम। अपना पता तुम्हें क्या? ऐसे ब्रश नहीं उठता, टूथब्रश। हाँ, एक जगह ब्रश में खड़ा कर रहा, पेस्ट लगा के उधर जाके मुंह हिलाता, फिर अपना ब्रश उठा। उधर गई का खबरदार। ये सबसे औरत सच्ची मोहल्ले में। थैंक यू पंकुड़ी आंटी, आप आए। ये औरत बताएगी कि हम लोग चीट रहे हैं, ये मोहल्ले में इसके अलावा कोई सच बोलता ही नहीं है। मैं आपको इनके परिवार के बारे में बता दूं। थैंक यू। इनका पूरा परिवार एक नंबर का कमीना, मकान फरेली टाइप का परिवार है, और 5-6 क्वालिटी इनके परिवार की है, जिसको बयां करने के लिए शब्द अभी बने नहीं है। पूरे शहर में इससे झूठी औरत ही कोई नहीं। अभी बोल रहे थे सबसे सच्ची औरत ये है। यह तो कुछ नहीं विराट, कल ये मुझे कह रहे थे, कहते घर छोड़कर ना चूहे दानी में शिफ्ट होने को बड़ा दिल करता है। मैंने कहा क्यों? कहते कुछ नहीं, वहां रोटी टाइम टू टाइम मिल जाती है। ऐसा लोग है ये। अंकल, आप उम्र में बड़े हैं, आपको मैं कुछ बहस तो नहीं कर सकता, पर मैं मुक्का मारकर मुंह तोड़ दूंगा आपका।